और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बीजेपी सांसद ओम बिड़ला के घर पर आधी रात तक बीजेपी की अहम बैठक चली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देर रात तक ये बैठक चली है जिसमें करीब 10:30 बजे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा संगठन मंत्री बीएल संतोष, ओम बिड़ला, इनके घर पर यह बैठक हुई है। सोर्सेज के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि बैठक के रात करीब 12 बजे तक चलने की जानकारी है, जिसके बाद सभी नेता अपने अपने आवास के लिए निकल गए हैं। सोर्सेज के मुताबिक ओम बिड़ला के आवास पर हुई बैठक में आगामी संसद सत्र के संचालन की रणनीति पर चर्चा हुई है। ओम बिड़ला ने इस पर अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ओम बिड़ला के आवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक देर रात तक चली है, जिस पर आगामी उपचुनाव, इन मुद्दों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस सड़कों पर उतर आई। गाड़ियों पर लगे हुए हूटर, लाल नीली बत्ती और काली फिल्म हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कासगंज में भी चेकिंग अभियान जो चला है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 वीआईपी गाड़ियों से हूटर उतारे गए हैं। एसडीएम की निजी गाड़ी से फ्लैशर लाइट उतारी गई है। 7 वाहनों से काली फिल्म उतारी गई है। देखिए, ऐसे वाहन जो एमवी एक्ट का उल्लंघन करते हैं और अनावश्यक रूप से, अवैध रूप से हूटर लगाते हैं, सायरन का प्रयोग करते हैं, प्रेशर हॉर्न्स लगाते हैं, ब्लैक फिल्म लगाते हैं, ऐसे सभी वाहनों का चेकिंग अभियान अभी चलाया गया है। और यहाँ जिस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं वहाँ पर लगभग 10 स्कूटर निकाले गए हैं और एक वाहन जो है वो नीली बत्ती के साथ में घूम रहा था उसको हटाया गया है। साथ साथ में 7-8 ब्लैक फिल्म्स भी उतरवाई गई हैं और इन सभी वाहनों का जो सुसंगत एमवी एक्ट की धाराएं हैं उसमें चालान भी किया गया है। यूपी ने बकरीद पर फिर से पूरे देश में मिसाल पेश की है। कल बकरीद के दिन ना सड़कों पर नमाज अदा की गई और ना ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी हुई है। सीएम योगी की अपील रंग लाई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीएम की अपील का समर्थन किया था। प्रदेश भर में मुसलमानों ने ईदगाहों में ही ईद की नमाज अदा की थी और 30,000 से ज्यादा जगहों पर बकरीद की नमाज अदा की गई। करीब 3,000 संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। बकरीद पर तय जगहों पर ही कुर्बानी दी गई। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी गई। गाजीपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है, गिरफ्तार कर अस्पताल उसको भेजा गया है। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मानिकपुर मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई है। देर रात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बदमाश से तमंचा, कारतूस, बाइक, 20,000 कैश जब्त हो गया है। आज पूरे जनपद में सघन चेकिंग कराई जा रही थी। रात्रि करीब 10 बजे थाना करीमुद्दीनपुर थाना अध्यक्ष अंडर पास के पास चेकिंग कर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल वाला आता दिखाई दिया जो कि संदिग्ध लगा। उसको रोकने का प्रयास किया तो वह उन सबके ऊपर लगभग चढ़ाने का प्रयास करते हुए गाली देते हुए भागा। चूँकि रास्ता सकरा था तो उसकी मोटरसाइकिल वहीं गिर गई। उसके बाद उसने पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी। इस बदमाश को उपचारार्थ अस्पताल भेजा गया है और मौके से एक तमंचा, मौका कारतूस और एक मोटरसाइकिल मिली है। उधर हाथरस में योगेश उपाध्याय हत्याकांड में फरार चल रहे बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घायल हालत में बदमाश को उचित उपचार दिया गया, अस्पताल भर्ती कराया गया जिसके बाद जेल में डाला गया। हत्याकांड में फरार आरोपी सोनू जाटव पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, बाइक जब्त हो चुकी है। खबर आजमगढ़ से, जहां पर रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पहले बंधक बनाकर पीटा गया, फिर बक्से में बंद कर दिया गया। बक्से में बंद करने से पहले प्रेमी को बंधक बनाकर जमकर पीटा गया है। आरोप है कि लड़का प्रेमिका के साथ
आपत्तिजनक हालत में मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस की दखल के बाद प्रेमी को छोड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की। आइए आगे बढ़ते, आपको बताते हैं इस बीच महाराष्ट्र के संभाजीनगर से चौंकाने वाला एक जो मामला आया है, उसमें कार के अंदर रील बना रही एक लड़की की जो कार है वो खाई में जा गिरी है, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। असल में लड़की रील बनाते वक्त गाड़ी को आगे ले जाने की जगह पीछे लेकर जाती हुई नजर आएगी आपको, जिसकी वजह से गाड़ी खाई में गिर गई और लड़की की मौत हो गई।